बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशकों में एक नाम है राजकुमार संतोषी। हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बेहतरीन और यादगार फिल्में दी हैं संतोषी ने। पुकार, बरसात, दामिनी, घायल, अंदाज अपना अपना, खाकी, अजब प्रेम की, गजब कहानी, लज्जा, ऐसी फिल्में उनके नाम हैं। यही वजह है पिछले 9 साल से अच्छा सिनेमा देखने वालों को ये मलाल भी था कि संतोषी आखिर कहाँ हैं। लेकिन 9 साल बाद ही सही राजकुमार संतोषी पूरी तैयारी के साथ वापसी कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म है गांधी गोडसे एक युद्ध, जो अगले साल 26 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया, जो कहानी तो समझाता ही है, साथ ही एक बेहद इंटेंस सिनेमा की तरफ ले जाता है। गोडसे और गांधी का विषय हमेशा विवादों में रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आम या खास, राजनीति या सिनेमा, ये हर किसी का ध्यान खींचता है। इससे जुड़ी हर बात पर प्रतिक्रियाएं आती ही हैं। मोशन पोस्टर में गांधी और गोडसे के बीच के संवाद को दिखाया गया है, जो वैचारिक युद्ध की बात करता है। महात्मा गांधी की भूमिका अभिनेता दीपक अंतानी ने अदा की है, जबकि चिन्मय मंडलेकर फिल्म में नाथुराम गोडसे के किरदार में नजर आएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना सहित कई मुख्य किरदार भी फिल्म में हैं। मौजूदा हालत में ये विषय बेहद ज्वलंत लग सकता है, इसलिए अगर ये भी कहा जाए कि राजकुमार संतोषी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वापसी की है, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे खास बात कि गांधी गोडसे एक युद्ध का सीधा मुकाबला है शाहरुख खान की पठान से, जिसे लेकर बॉयकॉट ट्रेंड लगातार चल रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि विवादों का फायदा भी उसे मिल सकता है। लेकिन अगर पठान को नुकसान होता है, तो क्या इसका फायदा संतोषी की फिल्म को मिलेगा, ये देखने की बात है।